अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही इजी और सिंपल और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी और बहुत ही कम समय में बनके तैयार होती है। अगर आप इसे दही या टमाटर की चटनी के साथ खाएंगे तो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है ये खिचड़ी, और इसे बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो वीडियो छोटी है, इसे पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कमेंट, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये बनाना स्टार्ट करते हैं। अब मैं इसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करूँगी। आप इस खिचड़ी को कुकर में भी बना सकते हैं, पर मैंने यहाँ एक तपेली ली है। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल का थोड़ा ज़्यादा ही इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि खिचड़ी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होती है। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच ज़ीरा, 2 तेज़पत्ता, इसे भी ऐड कर देंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 प्याज, प्याज को मैंने अच्छे से बारीक चॉप करके रखा है, इसे भी ऐड कर देंगे। इसे बिल्कुल हमें लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। प्याज को एकदम डार्क नहीं करना है, बस लाइट गोल्डन ब्राउन। अगर प्याज डार्क हो जाएगी तो आपकी जो खिचड़ी है उसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा। इसीलिए प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन ही करना है। उसका जो कलर है वो बिल्कुल अच्छे से चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें 3 बड़े गिलास पानी ऐड करूँगी। यहाँ मैंने 3 गिलास पानी ऐड किया है, क्योंकि मैंने यहाँ चावल 1 कप लिए है, इसके हिसाब से मैंने यहाँ 3 गिलास पानी ऐड किया है। क्योंकि इसमें मैं जो चावल यूज़ कर रही हूँ उसमें पानी का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा ही होता है, आप पानी अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा। अब मैं इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करूँगी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब गैस की फ्लेम को हाई करेंगे और हाई फ्लेम पे इसे एक बॉईल आने के लिए रख देंगे। तो मैं इसे एक ढक के रखूंगी ताकि इसमें एक अच्छे से बॉईल आ जाए। तब तक हम चावलों को धो लेते हैं। ये है, अब मैं इसमें ऐड करूंगी चावल। तो चावल यहाँ मैंने कप से लिया है, तो ये 2 कप चावल है, इसे ऐड कर देंगे। मैंने 1 कप दाल ली है, चावल से थोड़ी सी कम ली है दाल। दाल की क्वांटिटी आप कम ही लीजिएगा। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कर लेते हैं, आप देख सकते हैं पानी में कितना अच्छे से एक बॉईल आ चुका है। इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर ऐड करेंगे चावल जो हमने वॉश करके रखा था, उसे इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसे मिक्स कर लेंगे। अब नमक वगैरह अच्छे से चेक कर लीजिएगा, अगर कम हो तो ऐड कर लीजिएगा। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे ढक दूंगी और इसे पकने के लिए रख देंगे। तब तक चावल को भी चेक कर लेते हैं। चावल में जो हमने पानी ऐड किया था वो बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है, और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी नजर आ रहा होगा, और चावल भी हमारे काफी अच्छे से पक चुके हैं। तो अब हम इसे ढक देंगे और धीमी आंच पे 5 मिनट के लिए रख देंगे ताकि चावल हमारे अच्छे से पक जाए। ढक दूंगी और 5 मिनट से रख दूंगी धीमी आंच पे। चेक कर लेते हैं, और अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, और देख सकते हैं बिल्कुल चावल जो हमारे बिल्कुल खिले खिले से बने हैं। देखिए खिचड़ी हमारी बिल्कुल अच्छे से तैयार है। बन के तैयार है हमारी सिंपल और इजी खिचड़ी। इसे आप टमाटर की चटनी या दही के साथ सर्व कीजिए, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।